दोस्तों अभी आप देख पाएंगे मेरे पास है पोको का मोबाइल, और दोस्तों आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सेकंड मोबाइल में एक प्रॉब्लम आती है और न्यू मोबाइल में नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि सेकंड मोबाइल में प्रॉब्लम आती है और न्यू मोबाइल में नहीं आती है। आपका मोबाइल सेकंड हो न्यू हो तो भी आपकी मोबाइल में प्रॉब्लम आ सकती है। मेरा पोको का मोबाइल अभी मैंने एक महीने पहले लिया था, तो इस मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ चुकी है कि ऑटोमेटिकली ये रिस्टार्ट होकर आ रहा है और लोगों पर अटक जा रहा है। तो बार बार करके मुझे यही प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको ठीक करने के लिए आपको एक प्रोसेस करना होगा, जो कि आपका वॉल्यूम अप वाला बटन प्रेस करके रखना है, और उसके बाद आपको साथ में पावर ऑन ऑफ वाला बटन भी प्रेस करके रखना है। एक साथ आप प्रेस करेंगे तो आपका ये रिकवरी मोड पे आ जाएगा। उसके बाद आपको पावर ऑन ऑफ वाला बटन एक बार प्रेस करके रखना है। उसके बाद आप देख पाएंगे आपका मोबाइल रिस्टार्ट होके आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक सेटिंग करना है फटाफट से, आपका 2 मिनट के अंदर मोबाइल बंद हो जाएगा, इसलिए आपको एक सेटिंग करना है। सेटिंग में जाने के लिए आपको जाना होगा, ऊपर से स्लाइड करना है और सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से आपको ऐप्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको 2 नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मैनेज ऐप पे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे करना है प्ले स्टोर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको क्लियर डाटा और क्लियर डाटा ऑल कैच यहाँ पर क्लिक करके आपको ओके प्रेस करना है। उसके बाद आपको पोको लॉन्चर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है और क्लियर डाटा और क्लियर ऑल डाटा यहाँ पे आपको ओके प्रेस करना है। उसके बाद फिर से आपको एक सेटिंग करना है, लास्ट सेटिंग। आप देख पाएंगे आपका जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया है वो आपको यहाँ पे क्लियर कर देना है, जो कि हमारा क्रोम ब्राउज़र है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि यूज किया है। आप देख पाएंगे 2 GB का डेटा इसने ले लिया है। इसके बाद नीचे आएंगे और क्लियर कैच डाटा यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से हमारे प्रॉब्लम ठीक हो चुका है। अभी आपको एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। जैसे ही अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे हमारा मोबाइल रिस्टार्ट होके आ रहा है, और कुछ ही सेकंड में हमारा मोबाइल रिस्टार्ट होके आ जाएगा। जैसे कि आप देख पाएंगे ये पोको का मोबाइल है। दोस्तों आपको इस तरीके से आपका जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तो आप इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ऐसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल पर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।